अंकल को। ये देखिए बोतलें वगैरह भी हैं इधर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बच्चों को लेकर आई हूँ बाहर बाज़ार में लेकर आई हूँ। क्या लेना ले लो गाजी, आप भी ले लो, ठीक है। ये क्या है, कौन सी है, ठीक है, चलो सही है, चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो, चलो चलो चलो। आज मुन्ना मुन्ना दिखाओ बेटा, अंकल को दिखा दो। ये भाई दो लिए हैं आइसक्रीम बच्चों ने। कितनी बड़ी शॉप है इधर। हाँ हाँ जी, ले लो, सिर्फ दिखाना ही था। नहीं कितने की, नहीं ठीक है, जो आपने ले ली, चलो आज चलो चलो मुन्ना आओ, हाथ पकड़ो, चलो आराम से हाथ पकड़ लो तुम। ध्यान से दुआ जी, ठहरो दुआ, हाथ पकड़ मुन्ना का, गाड़ी आ रही है साइड पर, चलो साइड पे पाँव करो, पाँव कर, चलो उस तरफ से निकलो, चलो चलो आराम से आराम से, हाथ पकड़ो, चलो चलो चलो, चलो गाड़ी आ रही, आ जाओ कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके, उम्मीद करती जी आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार और मोहब्बत से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। और सब देखने वाले और सुनने वाले बहन भाई जी, जी शहर से भी मुझे देखते हैं सुनते हैं जी, अल्लाह ताला उन सबको आबाद और शाद रखे हर दुख तकलीफ़ और परेशानियों से, अल्लाह ताला जी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जो देश और परदेश से देखते हैं जी, अल्लाह ताला उन सब पर ख़ास करम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी आज मैं ब्लॉग में जिसका नाम लेने लगी हूँ वो मेरी यूट्यूब फैमिली के से हैं, ठीक है, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो जी अहमद नवाज़ हैं जी, रावलपिंडी से हैं, ठीक हो गया, आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद अली, और अब्दुल रहमान है जी कराची से, ठीक हो गया जी, और दिल्ली से हैं संजय दाद, ठीक हो गया जी, दिल्ली से हैं ये जी, और बहुत अच्छे ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक हो गया जी। इन्होंने सब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी जी आप हमारा नाम ले वीडियो में, तो जी मैंने आप सबका नाम ले दिया है, ठीक है, अब तो आप सब खुश होंगे, ठीक हो गया जी। और कल मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा मैं उदास थी, मेरे क्योंकि तबीयत भी गले की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सब बहन भाइयों ने इतनी सारी दुआएं दी, इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है जी मेरी, और जी आप सबके लिए ढेरों सारी दुआएँ, हमारे हम आप सबके लिए ढेरों सारी दुआएं करते हैं जी, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ और परेशानियों से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन जी। आज का व्लॉग मैं शाम के वक्त स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक हो गया जी, मैंने सारा यहाँ से धोया है, मैं आप सबको दिखाती हूँ, बच्चे गए हुए हैं जी अकेडमी, ठीक है, बच्चे गए हुए हैं अकेडमी, खाना वाना मैंने बना के रख दिया है, आप सबको दिखाते हैं जी क्या बनाया खाने में, ठीक हो गया जी, चलते हैं खाने की तरफ। और जी ये देखिए, ये मैंने दोपहर में बनाए थे चावल, ठीक हो गया जी,
और ये मैंने सालन बनाया है। किधर गया सालन? इधर से जी, ठहरे जी, रोशनी नहीं आ रही कि स्टेप इस तरफ लाइट नहीं आती। अच्छा जी, ये बनाया हमने जी आलू चिकन का सालन, ठीक हो गया जी। और जी ये देखिए जी, मैंने सारा यहाँ से धोया क्योंकि शाम की तैयारी शहरी जारी है जी। रात को हमने इधर सोना होता है, ठीक है। ये चारपाई भी मैंने झाड़ झूड़ दी है क्योंकि कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं गर्मियों में, अक्सर चारपाइयों के ऊपर ना कीड़ियाँ अक्सर होती हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ से मैंने सारा धोया है ताकि ये ठंडा सा फर्श हो जाए, क्योंकि रात को इतनी शदीद गर्मी होती है ना, एक गर्मी इतनी शदीद, ऊपर से ये फर्श है जो इतना गर्म हो जाता है, ठीक है जी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कूलर है वो भी ठीक हो चुका है, ठीक है। इसमें जो हमारा पहले वाला पंप था ना, वो वाला जल चुका था, ठीक है। अब हमने इसमें नया वाला बड़ा पंप डलवाया है। पहले हम पंखे के साथ गुजारा कर रहे थे और इतनी शदीद गर्मी में जी पंखे के साथ गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। तो जी कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें पंप डलवाया और इसे ऑन करके हम चला के दिखाते हैं आपको, ठीक है जी। और दिखाते से ये देखिए जी, अभी तो ये सूखा पड़ा है ना, और इसे लगाते हैं स्विच को, ठीक हो गया जी। और ये देखिए माशाल्लाह, और ये देखिए इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से हवा आ रही है। और अभी मैंने दिखाया था जी यहाँ से देखें, क्योंकि पंखा चलाते थे ना तो कूलर वो पंप नहीं था, तो जिसकी वजह से यहाँ से पानी वगैरह नहीं आता था, ठीक है। अब माशाल्लाह से पंप ठीक हो चुका है, तो जिसकी वजह से ये देखें जी, अब पानी ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये ठंडी हवाएं देता है, ये ठीक हो गया। और उस तरफ से इस तरफ मैं जा नहीं सकती, ठीक हो गया जी। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, ज़बरदस्त हो गया जी, इतनी ठंडी ठार हवा आ रही है, मज़ा ही आ गया। कसम से इतनी गर्मी में बैठ बैठ के ना ऐसे लगता था जैसे बस अब तो बीमार हो जाऊँगी मैं, अब बीमार हो जाऊँगी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी शुक्र है अल्लाह का कि हमारा कूलर ठीक हुआ है, तो कसम से जान में जान आ गई। बच्चे अब इजीली इतने आराम से सो जाते हैं ना, यहाँ पर जाली लगा देते हैं, इधर मैं जाली लगा देती हूँ बच्चों को, ठीक है। ये देखिए जी, इधर मैं बच्चों को जाली लगा देती हूँ चारपाई के ऊपर, क्योंकि रात को मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कूलर चला के अपना ईज़िली आराम से लेट जाते हैं, ठीक है। अभी इसे बंद करते हैं क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, इसकी वजह से यहाँ से गीला है, वरना मैं इधर से बंद करती। अभी हम इधर से बंद करेंगे इसे, ये देखिए जी। और जी कूलर हमने बंद कर दिया क्योंकि इसकी शोर की वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मुझे पता है ना, क्योंकि जब इसका शोर होता है ना तो फिर आवाज़ नहीं आती फुल स्पीड पे। और रात को इतनी अच्छी नींद आई है ना, इतनी मज़े की नींद आई है, ज़बरदस्त हो गया जी। और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका पंप आया, वरना इतनी शदीद रात को गर्मी होती है ना, और ऊपर से पंखे की हवा भी गर्म, या अल्लाह क्या हो गया। हम जहाँ से लगता था जैसे हम जहन्नुम में चले गए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर देना, कभी भी कितनी इतनी हवा गर्म ना देना, तौबा तौबा तौबा। तो जी बच्चे जा चुके हैं जी एकेडमी गए हुए हैं, बच्चे भी आने वाले हैं, शाम का टाइम हो रहा है, ठीक है। और मैं अकेली घर पर बैठी बोर हो रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है, अपने बहन भाइयों के साथ अपनी छोटी मोटी सी रूटीन भी शेयर कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। और अभी बारिशें नहीं हुई ना, तो जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरी चेहरा देख रहे हैं, इतनी गर्मी सी लग रही है, ठीक हो गया जी। और आज के ब्लॉग का जी यहीं एंड करेंगे, ठीक है। आप सबसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 अपनी सबा ब्लॉग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ठीक हो गया जी, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो मेरे बहन भाइयों तक लाजमी पहुंच सके, ठीक हो गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। आप सबके प्यार और मोहब्बत से यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप सबके प्यार और मोहब्बत से इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन चैनल भी बहुत जल्द मोनिटाइज करवाएंगे, ठीक हो गया जी। सांस छूट गया। तो जी सबसे इजाज़त चाहती हूँ, ठीक है,
मिलते हैं कल वाले नए व्लॉग में, तब तक आप सब ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है अपनी प्यारी सी सबा को, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।